मेरा नाम है मीनू, बताने जा रही हूँ मौनी अमावस्या सुने पौराणिक व्रत कथा। पुराणों के अनुसार काचीपुरी में एक ब्राह्मण रहता था, उसका नाम देवस्वामी तथा उसकी पत्नी का नाम धनवती था। उनके 7 पुत्र तथा 1 पुत्री थी। पुत्री का नाम गुणवती था। ब्राह्मण ने 7 पुत्रों को विवाह करके बेटी के लिए वर खोजने अपने सबसे बड़े पुत्र को भेजा। उसी दौरान किसी पंडित ने पुत्री की जन्म कुंडली देखी और बताया सप्तपति होते होते यह कन्या विधवा हो जाएगी। तब उस ब्राह्मण ने पंडित से पूछा पुत्री के इस वैधव्य दोष का निवारण कैसे होगा। पंडित ने कहा सोमा का पूजन करने से वैधव्य दोष दूर होगा। फिर सोमा का परिचय देते हुए उसने बताया वह एक धोबीन है, उसका निवास स्थान सिहल द्वीप है। उसे जैसे तैसे प्रसन्न करो और गुणवती के विवाह से पूर्व उसे यहाँ बुला लो। मौनी अमावस्या जानिए 9 विशेष काम की बातें। तब देवस्वामी का सबसे छोटा लड़का बहन को अपने साथ लेकर सिहल द्वीप जाने के लिए सागर तट पर चला गया। सागर पार करने की चिंता में दोनों एक वृक्ष की छाया में बैठ गए। उस पेड़ पर एक घोंसले में गिद्ध का परिवार रहता था। उस समय घोंसले में सिर्फ गिद्ध के बच्चे थे। गिद्ध के बच्चे भाई बहन के क्रियाकलापों को देख रहे थे। सायंकाल के समय उन बच्चों गिद्ध के बच्चों की माँ आई तो उन्होंने भोजन नहीं किया। वह अपनी माँ से बोले नीचे 2 प्राणी सुबह से भूखे प्यासे बैठे हैं, जब तक वे कुछ नहीं खा लेते तब तक हम भी कुछ नहीं खाएंगे। तब दया और ममता के वंशीभूत गिद्ध माता उनके पास आई और बोली मैंने आपकी इच्छाओं को जान लिया है। इस वन में जो भी फल फूल कंद मूल मिलेगा मैं ले आती हूँ, आप भोजन कर लीजिए। मैं प्रातःकाल आपको सागर पार करा कर सिंहल द्वीप की पराकाष्ठा के पास पहुँचा दूंगी और वे दोनों भाई बहन माता की सहायता से सोमा के यहाँ जा पहुँचे। वे नित्य प्रातः उठकर सोमा का घर झाड़ कर दीप देते थे। पितृ दोष दूर करने के लिए विशेष है अमावस्या के दिन। एक दिन सोमा ने अपनी भवुओं से पूछा हमारे घर कौन बुहारता है, कौन लीपता पोतता है। सबने कहा हमारे भी सिवाय और कौन बाहर से इस काम को करने आएगा, किंतु सोमा को उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन उसने रहस्य जानना चाहा। वह सारी रात जागी और सब कुछ प्रत्यक्ष देखकर जान गई। सोमा का उन बहन भाई से बरातार लाभ हुआ। भाई ने सोमा को बहन संबंधी सारी बातें बता दी। सोमा ने उनकी श्रम साधना तथा सेवा से प्रसन्न होकर उचित समय पर उनके घर पहुंचने का वचन देकर कन्या के वैधव्य दोष निवारण का आश्वासन दे दिया। मगर भाई ने उससे अपने साथ चलने का आग्रह किया। आग्रह करने पर सोमा उनके साथ चल दी। मौनी अमावस्या जानिए 9 विशेष काम की बातें। चलते समय सोमा ने बहुओं से कहा मेरी अनुपस्थिति में यदि किसी का देहांत हो जाए तो उसके शरीर को नष्ट मत करना, मेरा इंतजार करना। और फिर सोमा बहन भाई के साथ काचीपुरी पहुंच गई। दूसरे दिन गुणवती के विवाह का कार्यक्रम तय हो गया। सप्तपति होते ही उसका पति मर गया। सोमा ने तुरंत अपने संचित पुण्यों का फल गुणवती को प्रदान कर दिया। तुरंत ही उसका पति जीवित हो उठा। सोमा उन्हें आशीर्वाद देकर अपने घर चली गई। उधर गुणवती को पुण्य फल देने से सोमा के पुत्र जमाता तथा पति की मृत्यु हो गई। सोमा ने पुण्य फल संचित करने के लिए बाग में अश्वत्थ पीपल वृक्ष की छाया में विष्णु जी का पूजन करके 108 परिक्रमाएं की। इसके पूर्ण होने पर उसके परिवार के मृतक जन जीवित हो उठे। निष्काम भाव से सेवा का फल मधुर होता है, इस व्रत का यही लक्ष्य है। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।